दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान के किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के निष्कर्षण के बारे में आज हम जानेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं क्या हैं? ये हमारा क्या है, फेरस है, लोहा है, उसके बाद है जिंक है, और इसके बाद क्या है, लेड है। क्या है? लेड है। और अंतिम धातु हमारा है सक्रियता श्रेणी के मध्य का धातु है कॉपर। तो इस तरह से ये चार धातुएं हैं जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है और इसके निष्कर्षण की विधियाँ क्या हैं, तो जो हाई स्कूल की एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, ठीक उसी प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जिंक क्या है? जिंक के दो अयस्क होते हैं और जिंक के दो अयस्कों द्वारा हमको जिंक प्राप्त करना है। जिंक धातु का निष्कर्षण करेंगे। ये सक्रियता श्रेणी का मध्य का यौगिक है और ये जिंक के दो अयस्क हैं। एक जिंक है, जिंक सल्फाइड है। एक जिंक होता है सल्फाइड और दूसरा है जिंक कार्बोनेट। ये दो अयस्क हैं। क्या है? अयस्क हैं। अयस्क, ये दो अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। जड़ियन यानी जिंक, यानी ये जिंक का अयस्क है। ये जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक सल्फाइड है। ये क्या है? जिंक, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये हमारा क्या है? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में इस तरह का प्रश्न जरूर आता है, यानी जिंक अयस्क से, जिंक सल्फाइड अयस्क से, या जिंक कार्बोनेट अयस्क से क्या निकालना है, जिंक प्राप्त करना है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुओं के निष्कर्षण करने के लिए दो विधियां होती हैं। किसी भी धातु के अयस्क, जिंक सल्फाइड अयस्क और जिंक कार्बोनेट अयस्क, ये दो अयस्क हैं। इस अयस्क से हमको क्या प्राप्त करना है? जिंक प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है? जिंक प्राप्त करना है। तो किसी भी अयस्क या जिंक सल्फाइड अयस्क और जिंक कार्बोनेट अयस्क से हमको जिंक धातु प्राप्त करना है। जिंक क्या प्राप्त करना है? धातु। ये प्राप्त करना क्या, सीधा प्राप्त करना क्या होता है? कठिन होता है। सीधा प्राप्त करना कठिन होता है। तो इसको क्या करते हैं, सरल करने के लिए, यदि जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए, यदि जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो जिंक ऑक्साइड से हमको क्या प्राप्त करना आसान होता है, धातु प्राप्त करना आसान होगा, यानी जिंक प्राप्त करना ये कठिन होता है अयस्क से, सल्फाइड कार्बोनेट से। और यदि ऑक्साइड का अयस्क है, जिंक ऑक्साइड का अयस्क है, तो इससे क्या होता है, जिंक प्राप्त करना हो क्या होता है, सरल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमको करना है, ये जो दो अयस्क हैं, एक और दो, इन दो अयस्कों को क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड में हमको चेंज करना। सबसे पहले हमको जिंक ऑक्साइड में चेंज करना। तो जिंक ऑक्साइड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, जिंक सल्फाइड है। पहला क्या है अयस्क हमारा, जिंक सल्फाइड, ये जड़यन, यस, एक जिंक सल्फाइड है। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। ऑक्सीजन के साथ तापन या भर्जन करते हैं। क्या करते हैं? भर्जन किया जाता है, भर्जन, भर्जन किया जाता है, यानी भर्जन की क्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है। और क्या हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। तो इस तरह से हम भर्जन की परिभाषा को भी यहाँ समझेंगे, यानी जब किसी अयस्क में, ये हमारा अयस्क है जिंक सल्फाइड अयस्क में, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ, कैसे, ये अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ क्या किया, तापन किया जाता है। क्या किया जाता है? तापन, तापन किया जाता है, अधिक मात्रा रहती है, अधिक मात्रा के साथ कराया जाता है तो क्या कहलाता है, भर्जन। और कम मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जब ये हमारा जिंक कार्बोनेट का क्रिया कराया जाता है, ये हमारा क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तापन किया जाता है, तापन किया जाता है, तो ये कहलाता, क्या कहलाता है, ये भर्जन कहलाता है।
ये निष्तापन कहलाते, इसको क्या कहते हैं, निष्तापन। यहाँ क्या लिखेंगे, निष्तापन, निष्तापन की क्रिया होती है। तो पहला भर्जन क्रिया है, भर्जन सल्फाइड के साथ, कोई भी सल्फाइड अयस्क है तो उसके साथ भर्जन होता है। यदि कोई भी कार्बोनेट अयस्क है, चाहे जिंक कार्बोनेट है और लेड कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, तो उसके साथ क्या होगा, निष्तापन होगा। निष्तापन में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसमें क्या बनेगा, जिंक, जिंक बनेगा ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमको प्राप्त करना है, जिंक ऑक्साइड से सरलता से हम जिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। ये हमारा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये हमारा, इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ 2 करेंगे, ये इसलिए इवन हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। तो 2 ये हो गया। अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 हो गया जिंक, 2 हो गया सल्फाइड, क्या है 2, तो 2 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन हमारा हो गया 4 यहाँ और 2 ये 6, तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह हमको क्या मिल गया, दोनों ऑक्साइड का, दोनों आयस का, पहले आयस का और दूसरे आयस का, पहले का हमने भर्जन किया तो हमको मिल गया जिंक ऑक्साइड, और दूसरे का, दूसरे आयस का हमारा है, दूसरा आयस था जिंक कार्बोनेट, ये दूसरा आयस का है, इसका हमने क्या किया, निष्तापन किया, यानी इसको गर्म किया, कम ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया, जो एनसीईआरटी के किताब में दिया गया कक्षा 10 के, वही हम बता रहे हैं। ऊँचे के क्लास में इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे, कक्षा 11, 12 और बीएससी, एमएससी में इसको और विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये निष्तापन करके हमको मिला जिंक ऑक्साइड। अब ये दोनों जिंक ऑक्साइड को हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन के अपचयन के द्वारा, कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे तो ये जिंक प्राप्त होगा। तो इसका हम समीकरण अब लिखेंगे, क्लीन करके लिखेंगे। तो हमको क्या मिल गया था, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड से हमको क्या प्राप्त करना है, जिंक। तो ये कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये कार्बन, ये जिंक हमारा है जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड को क्या करें, कार्बन के साथ यानी कोयले के साथ क्या करेंगे, अपचयन कराते हैं। क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन। अपचयन को, अपचयन की परिभाषा आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अपचयन का यहाँ सीधा सा मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो इसमें क्या, ऑक्सीजन निकल जाएगा, कार्बन के साथ कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, गैस निकल जाएगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। जिंक हमारा सॉलिड है, ये कार्बन भी हमारा सॉलिड है, यस लिखेंगे, और ये जिंक ऑक्साइड ये भी सॉलिड है। तो इस तरह से ये दोनों जिंक कार्बोनेट से और जिंक सल्फाइड से हमको क्या मिला था, जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के द्वारा अपचयन कराया तो क्या मिल गया, जिंक धातु हमारा अपचित हो गया। अपचित हो गया मतलब प्राप्त हो गया, क्या हो गया, प्राप्त हो गया, क्या हो गया, प्राप्त, प्राप्त हो गया, निष्कर्षण हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, निष्कर्षण, जिंक धातु का क्या हो गया, निष्कर्षण हो गया, जिंक धातु हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमको जिंक धातु प्राप्त हो गया। इस तरह से लोहे का, आयरन का, फेरिक का और लेड का और कॉपर का, इस तरह के कॉपर के अयस्कों का भी हम क्या करा सकते हैं, ये क्या करा सकते हैं, निष्कर्षण करा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो कक्षा 10 के एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है, और इसी कक्षा 10 के बच्चे के बोर्ड की परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न आएगा। अब इसमें क्या हुआ है, कार्बन के अपचयन के द्वारा जिंक प्राप्त हुआ, तो कार्बन के स्थान पर हम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और क्या है, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम, इस इन चारों का भी अपचायक के रूप में प्रयोग, इसका अपचायक का भी प्रयोग, अपचायक, अपचायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जो आपके एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा मान्य किताब है, इसमें लिखी गई एक एक शब्द सही माना जाता है, और उसी के आधार पर कोई भी परीक्षा में चक होता है कि कौन सा किताब, कौन सा उत्तर सही है। तो एनसीईआरटी की किताब को
सबसे अच्छी किताब मानी जाती है जो एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, ठीक उसी प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें आप चाय के रूप में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम का भी आप चाय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किताब में दिया गया है मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या दिया है, मैग्नीज मैग्नीज डाई डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमको क्या प्राप्त करना है, मैग्नीज प्राप्त करना है, एम जी क्या करना है, निष्कर्षण करना है मैग्नीज का, सॉरी एम जी नहीं, एम एन, मैग्नीज का निष्कर्षण करना है जो कि इसी श्रेणी में आता है, मध्य मध्य श्रेणी में आता है, सक्रियता श्रेणी के मध्य श्रेणी का यौगिक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हमको निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, एल्युमिनियम क्या किया जाता है, एल्युमिनियम अपचायक का प्रयोग किया जाता है जो कि किताब में दिया है, ठीक उसी प्रकार आपको हम बता रहे हैं। तो एम एन ऑक्साइड मैग्नीशियम मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम एल्युमिनियम के द्वारा क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, अपचयन होता है, अपचयन होता है, तो क्या बनता है मैग्नीज, ये मैग्नीज हमारा मुक्त हो जाता है, एम जी एम एन मैग्नीज मुक्त हो जाता है, और क्या है ऑक्सीजन और ये एल्युमिनियम मिलकर के एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा गुणा किया जाता है, 3 इधर है तो इधर, तो ये हो गया हमारा मैग्नी ऑक्सीजन का बैलेंस। तो मैग्नीज यहाँ 3 है तो यहाँ हम 3 यहाँ मैग्नीज लिखेंगे, और क्या है एल्युमिनियम यहाँ 6 है, सॉरी 2 दूनी 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण बैलेंस हो गया, ये हमारा मैग्नीशियम मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये हमारा मैग्नीज मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज का निष्कर्षण हो जाता है, और इसको इसके स्थान पर एल्युमिनियम के स्थान पर कार्बन के द्वारा भी हम अपचयन करा सकते हैं, जो कि पीछे आप देख चुके हैं, एल्युमिनियम के द्वारा भी अपचयन कराया जा सकता है, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी इसके स्थान पर जो प्रयोग करके हम लिख सकते हैं और समीकरण भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जा सकता है जो कि एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है, ना हमने ज़्यादा बताया है ना कम बताया है, जितना एनसीईआरटी किताब में है उतना बताया है, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम 3.4.5 के अंतर्गत सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण के बारे में जानेंगे, यानी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं हमारी कौन सी है, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम और जो कैल्शियम और एल्युमिनियम, ये सक्रियता श्रेणी की सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं, सबसे ऊपर स्थित है, कैसे कहाँ स्थित हैं, ऊपर सबसे ऊपर स्थित है। इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो जिस तरह से ये हमारा सोडियम है, ये हम सोडियम क्लोराइड, यदि सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, लवण है, ये क्या है, लवण है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र के पानी से, यानी सोडियम क्लोराइड लवण हमारा साल्ट है, इससे हमको सोडियम का निष्कर्षण करना है। इसमें क्या करना है, सोडियम धातु का निष्कर्षण करना है। इसको हम कैसे करते हैं, यानी सोडियम धातु का, मैग्नीशियम धातु का, कैल्शियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम, ये सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए क्या किया जाता है, वैद्युत अपघटन किया जाता है, वैद्युत अपघटन के द्वारा, अपघटन वैद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक हम लेते हैं, एक कोई पात्र लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इस पात्र में क्या लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड
एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं और पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, ये हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड है। हम जानते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। धनात्मक है तो इसे कहते हैं एनोड, एनोड कहते हैं। और ये एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लेते हैं और जिसे कहते हैं क्या होता है, कैथोड। ये ऋणात्मक को क्या कहते हैं, कैथोड। ये लिया जाता है और इसमें एक क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, की लगा देते हैं। इस तरह से एक हम इसमें की लगा देते हैं, इस तरह से की लगा देते हैं। और एक इसके बाद इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते, बैटरी के धन सिरे से, इधर का सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट परिपथ प्राप्त होता है, या क्या होता है, वैद्युत अपघटन। ये क्या है, विद्युत अपघटन, विद्युत विद्युत अपघटन। इस तरह से क्या बनाया जाता है, अपघटन। इस तरह विद्युत अपघटन का एक परिपथ बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है। अब क्या करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड हमारा क्या था, सोडियम क्लोराइड हमारा NaCl, NaCl क्या था, ये लवण था, समुद्र का पानी था, लवण था, साल्ट था। इसको क्या करते हैं, गलित अवस्था में, गलित क्या करते हैं, गलित अवस्था में इसमें डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड के विलयन में इसमें गलित या लिक्विड अवस्था में। ये क्या करते हैं, ये हमारा एनोड है और ये हमारा बैटरी है, ये हमने ये हमारा की है, के से लिखा जाता है, ये बैटरी है, इसका बैटरी का सिंबल इस तरह होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन डालेंगे, NaCl डालेंगे। तो क्या होता है, NaCl का विलयन डालते हैं, जब इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, इसमें इसका क्या स्विच ऑन कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या ये धन आवेशित हो जाता है, ये हमारा धन आवेशित हो जाता है, ये हमारा ऋण आवेशित हो जाता है, कैथोड। तो क्या होता है, सोडियम आयन इसमें और क्लोरीन आयन इस विलयन में उपस्थित होता है, तो क्लोरीन आयन पर ऋण आवेश है तो ये धन आवेश की तरफ, धन इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ता है। और इस पर कौन सी गैस बनती है, यहाँ क्लोरीन गैस बन जाती है, क्लोरीन गैस ऊपर इस पर बन जाती है। और क्या होता है, सोडियम जो हमारा धन आवेशित है, ये किधर दौड़ता है, कैथोड की तरफ दौड़ता है, और कैथोड की तरफ यहाँ दौड़ता है तो क्या होता है, ये सोडियम क्या करता है, यहाँ सोडियम धातु मुक्त हो जाता है, सोडियम धातु यहाँ इस पे कैथोड पर जमा होने लगता है। तो इस तरह से हम सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम धातु का इस तरह से निष्कर्षण कर सकते हैं, इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हम समीकरण भी लिख सकते हैं, इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, इसका समीकरण ऐसे लिखा जाएगा, ये सोडियम एक बार कैथोड का समीकरण लिखेंगे, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन क्या होता है, कैथोड के क्या लिए क्या लिखेंगे, ये सोडियम हमारा है, सोडियम आयन है, प्लस आयन है, और कैथोड पर क्या होता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये यहाँ से क्या करता है, ये कैथोड पर, ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है, सोडियम, सोडियम आयन बन जाता है, सोडियम क्या बन जाता है, परमाणु बन जाते हैं, धातु बन जाता है, ये सोडियम धातु मुक्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के साथ सोडियम धातु, ये हमारा धातु प्राप्त हो जाता है। पर क्या क्रिया होता है, एनोड का रिएक्शन हम लिखेंगे, एनोड, एनोड पर क्या होता है, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन क्या है, आयन है, हमारा ऋण आयन है, और ये धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है, ये धन आवेशित इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ से एक क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और दे करके इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन मुक्त हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक मुक्त होता है और क्लोरीन ये हमारा गैस बन जाता है, ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के धातु मुक्त हो जाता है। इस तरह से हमको किस पर, कैथोड पर धातु प्राप्त हो जाता है, इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम सभी धातुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न यह उठता है कि जिस तरह से हम निम्न क्रियाशील धातुएं, जो हमारी निम्न क्रियाशील धातुएं थीं और मध्य क्रियाशील धातुएं थीं, उनको इस तरह से निष्कर्षण नहीं किया जाता, जैसे हमारा निम्न क्रियाशील धातु थी कापर, कापर और ये है मध्य क्रियाशील धातु जिंक, ये जो हमारी धातुएं थी, इसके निष्कर्षण के लिए क्या किया जाता था,
कार्बन के साथ क्या किया जाता, अपचयन किया जाता था, अपचयन किया जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। क्यों ऐसा नहीं किया गया? एक सवाल ये उठता है, ये भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, कि जो है मध्य क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातुओं का कार्बन के साथ अपचयन करके धातु का निष्कर्षण किया जाता है, लेकिन जो है निम्न क्रियाशील धातु यानी सक्रिय धातु, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुओं को क्या किया जाता है, यह कार्बन के साथ अपचयन नहीं किया जाता है, कार्बन के साथ अपचयन करके नहीं प्राप्त किया जाता है, उसका वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जो ये क्या है, सक्रिय श्रेणी के सबसे ऊपर की धातुएं यानी अधिक क्रियाशील है, या ये धातुएं कैसे हैं, उच्च क्रियाशील हैं। ये धातुएं कैसी हैं? उच्च क्रियाशील धातुएं क्या होती हैं? यदि सोडियम क्लोराइड है उच्च क्रियाशील धातुओं का, यदि ऑक्साइड है NaO2 है, या उच्च क्रियाशील धातुओं का कैल्शियम क्लोराइड है, ये उच्च क्रियाशील धातुओं का यदि कोई ऑक्साइड है, क्लोराइड है, और जो है इसमें यदि कार्बन से अपक्रिया कराते हैं, यदि कार्बन के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यह अपक्रिया नहीं होती, यह अपक्रिया क्या होती है, अपक्रिया नहीं होती, लिखेंगे अपक्रिया, अपक्रिया, अपक्रिया क्या होगी, नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो है ये उच्च क्रियाशील धातु है। कैसी धातुएं हैं? उच्च क्रियाशील धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, और इन ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ अधातुओं के साथ ज़्यादा कड़क, मतलब ज़्यादा क्या होती हैं, ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? ज़्यादा मजबूती के साथ, मजबूती इनके पास क्या होता है, मजबूत बंध होता है, मजबूत बंध बनाए रखते हैं, मजबूत बंध होता है, जिसके कारण उष्मा देते हैं, कुछ भी देते हैं, यानी बंध टूटता नहीं है। सोडियम और ऑक्सीजन का क्या होता है, बंध ज़्यादा मजबूत होता है, जितना कार्बन ऑक्सीजन को हटा नहीं पाता है, क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन को हटाने में क्या होता है, हटाने में असमर्थ होता है, असमर्थ होता है, क्या होता है, असमर्थ होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण ये क्या होता है, कार्बन उपचायक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कार्बन उपचायक के प्रयोग द्वारा उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। प्यारे बच्चों, अब हम 3.4.6 के अंतर्गत धातुओं का परिष्करण जानेंगे। धातुओं का परिष्करण क्या है, यानी जो धातुएं होती हैं, धातुओं का क्या होता है, अयस्क से क्या होता, हम जानते हैं क्या होता है, अयस्क से क्या होता, धातु प्राप्त होती है, अयस्क से क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होती है, और उस धातु में क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, यानी धातु में क्या होता, अपद्रव्य होते हैं, क्या होते हैं, अपद्रव्य, धातु में क्या होता है, जो अपद्रव्य होता है उस द्रव्य को क्या करना होता है, परिष्करण करना होता है, उस द्रव्य अपद्रव्य से क्या करना होता है, छुटकारा पाना होता है, यानी शुद्ध धातु हमको क्या करना होता है, शुद्ध धातु प्राप्त करना होता है। तो इसी अपद्रव्य को क्या कहते हैं, पंक भी कहते हैं। इस अपद्रव्य को क्या होते हैं, धातु में जो अशुद्धियां होती हैं, इसे क्या कहलाता है, पंक, इसे क्या कहा जाता है, पंक, यानी धातु को शुद्ध करना, शुद्ध करके उसमें से पंक को अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या होता है, धातु का निष्कर्षण या परिष्करण होता है। धातु का क्या होता है, परिष्करण, यानी शुद्ध धातु एकदम जिसमें कुछ गंदगी हो, उसमें कुछ अशुद्धियाँ हों, उन अशुद्धियों से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या होता है, परिष्करण, यानी अशुद्धियाँ का मतलब अपद्रव्य, उसमें जो अपद्रव्य मिले होते हैं, उसमें कचरा जो मिला होता है, और उसी कचरे को क्या कहते हैं, पंक कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना धातु का परिष्करण कैसे किया जाता है, धातु का परिष्करण क्या है। अब धातु का परिष्करण के बारे में हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण क्या है, हमारा कॉपर क्या है, कॉपर धातु है, क्या है, कॉपर धातु है, जो कि कैसी है, अशुद्ध रूप में है,
कापर धातु क्या है और कैसे मिला है कापर धातु, कापर सल्फाइड से यानि कापर के परिष्करण से हमको कापर धातु मिला है, लेकिन यह क्या कैसा है, इसमें अशुद्ध रूप से है। कैसा है? अशुद्ध। ये कापर धातु हमारा क्या है? अशुद्ध रूप में है। अशुद्ध रूप का मतलब है इसमें अपद्रव्य है। इस अयस्क में, सारी इस धातु में क्या है, कापर धातु में अपद्रव्य है, यानी इसमें अपद्रव्य को क्या करना है, हमको अलग करना है। तो कापर धातु के अपद्रव्य को कैसे हम अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करना है, ये हमारा क्या है, कापर अशुद्ध रूप में है और इसे शुद्ध रूप में हमको प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। तो शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करना, कौन सी धातु प्राप्त करना है? कॉपर प्राप्त करना, CU। तो कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसकी क्या विधि है? इसी तरह से किसी भी धातु का परिष्करण करना हो, कॉपर हो, ये कॉपर हमारा हो, जिंक हो, कॉपर हो, जिंक हो, और क्या हो, ये चांदी हो, AG हो, चांदी हो, और सोना हो, AU। इस किसी भी धातु का क्या शुद्ध रूप में प्राप्त करना हो तो एक ही तरह की विधि का उपयोग किया जाएगा। तो हम केवल आज जानेंगे कापर से शुद्ध धातु प्राप्त करना, कापर अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी क्रियाकलाप और इसके विद्युत अपघटन के द्वारा कैसे जाना किया जाता है। कापर को शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, एक बड़ा सा विद्युत अपघटनी सेल लिया जाता है, एक बड़ा सा क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन का कोई पात्र ले लिया जाता है और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इस पात्र में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, एक धन आवेशित इलेक्ट्रोड और एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड। लेकिन इसमें हमें कापर धातु को शुद्ध करना है, यानी शुद्ध कापर प्राप्त करना है। तो ये जो होता है, एक कापर के, ये दोनों कापर के, एक होता है शुद्ध कापर का, ये जो शुद्ध होता है, ये शुद्ध कापर का क्या होता है, हमारा कैथोड होता है, ये हम अलग से लेते हैं। ये शुद्ध कापर का क्या होता है, एक कैथोड होता है, क्या होता है, कैथोड, एक कैथोड होता है। ये शुद्ध कापर का होता है, कैसा होता है, शुद्ध कापर, CU, ये शुद्ध कापर का होता है, यानी ये हम अपनी तरफ से लेते हैं, ये क्या होता, इसको हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से लेते हैं, और ये क्या होता, पतला होता है, इसका इलेक्ट्रोड क्या होता है, पतला होता है, पतला होता है, ये कैसा होता है, पतला होता है। और ये जो मोटा इलेक्ट्रोड लेते हैं, इस तरह से मोटा चौड़ा, मोटा और चौड़ा इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये होता हमारा एनोड होता है, क्या होता है, एनोड, एनोड, एनोड होता है। और एनोड को क्या करते हैं, एक स्विच से जोड़ते हैं, एक हम क्या करते हैं, की से, ये हमारा की होता है, कुंजी के, कुंजी से जोड़ते हैं, कुंजी होता है, ये कुंजी से जोड़ते हैं, और दूसरा बैटरी से जोड़ देते हैं, इस तरह से बैटरी से हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा बैटरी हो गया और ये हमारा क्या है, एनोड है। एनोड पे हमको याद रखने के लिए अशुद्ध धातु जो हमको शोधन से मिली है, जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं धातुओं के शोधन से, जो हमें अशुद्ध धातु मिली है क्या है, कापर। ये अशुद्ध धातु क्या है, एक ऐसा कापर है, अशुद्ध कापर, अशुद्ध, यह अशुद्ध कापर जो है, कापर का यह अशुद्ध प्लेट लगाया जाता है, इसे एनोड कहते हैं। इसे याद रखने के लिए इस तरह से समझना है, अशुद्ध माने एनोड, यानी अशुद्ध का ए से अशुद्ध, ए से एनोड। तो एनोड और कापर दोनों जो है अशुद्ध होता है, इस तरह से हमको याद रखना है। यानी एनोड का, अशुद्ध धातु का, जो हमको जिसको शुद्ध धातु करना है, उसका क्या होता है, ये कापर का होता है, और ये शुद्ध कापर का ये होता है। इस तरह से कैथोड हमारा शुद्ध कापर का होता है और अशुद्ध कापर का एनोड होता है। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट तैयार होता है। ये क्या होता है, विद्युत अपघटन। ये कैसा परिपथ है, विद्युत अपघटन कराया जाता है, अपघटन, ये विद्युत अपघटन के द्वारा हमको शुद्ध धातु प्राप्त किया जाए। कौन सी धातु प्राप्त करना है, कापर को शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का बिलियन इसमें डाल दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट का बिलियन भी इसमें क्या होता है, किसका बिलियन, कॉपर सल्फेट का बिलियन होता है। यानी कॉपर का एनोड भी होता, कॉपर का एनोड भी होता है, कॉपर का कैथोड भी होता है, कॉपर सल्फेट का इसमें बिलियन भी होता है, कॉपर सल्फेट का इसमें बिलियन होता है। और जब इसे क्या करते हैं,
इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन अलग रहता है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन क्या होता है, इसमें अलग ऐसे घूमता रहता है। तो क्या करते हैं, जब इसमें कुंजी ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा एनोड पे धन चार्ज आ जाता है। एनोड पे क्या आ जाएगा, ये धन चार्ज आ जाता है, और एनोड से जो शुद्ध धातु है, ये कॉपर जो एनोड से जो शुद्ध कॉपर है, वो ऐसे फ्री हो जाता है। सी यू क्या हो जाता है, फ्री हो करके कहाँ चिपकने लगता है, ये कैथोड पर चिपकने लगता है, यहाँ ये इस पे कैथोड पर जमा होने लगता है, यानी कॉपर कहाँ जा करके कैथोड पर, इस तरह कैथोड पर ये क्या जमा होने लगता है, सी यू कॉपर जमा होने, और ये मोटा होने लगता है। ये कैथोड का जो कैथोड है, ये हमारा ऋण आवेशित, सॉरी एनोड क्या होता है, धन आवेशित होता है, थोड़ा उल्टा हो गया, एनोड धन आवेशित और कैथोड ऋण आवेशित, ये ऋण आवेशित, ये बैटरी का भी इधर ऋण सिरा रखा जाएगा और ये बैटरी का धन सिरा इधर लगाएंगे, बैटरी का ऋण सिरा इधर रखा जाएगा, छोटा सिरा होता है, ये उल्टा हो गया था, तो इस तरह से ये बैटरी का ये उल्टा सिरा, ये क्या हो, कैथोड ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेश पर ये क्या होगा, कॉपर जमा होने लगेगा और यहाँ से कॉपर बिलियन में घुलता रहेगा। ये एनोड से कॉपर क्या होता है, ये बिलियन में घुलेगा, एनोड से कॉपर बिलियन में घुलता है, और क्या होता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, नीचे ऐसे गिरने लगती है, नीचे जमा होने लगती हैं, जिसे क्या कहते हैं, अपद्रव्य। अपद्रव्य क्या होता है, ऐसे नीचे जमा होने लगता है, एनोड से गिर के तली में अपद्रव्य क्या होता है, अपद्रव्य जमा होने लगता है, क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और इसी को अपद्रव्य को क्या कहते हैं, पंक भी कहते हैं, को क्या कहा जाता है, पंक, इसी अपद्रव्य को क्या कहा जाता है, पंक। तो इस तरह से हम कापर धातु से, कापर अशुद्ध धातु से शुद्ध कापर, इस तरह से कापर के कैथोड पर कापर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, अशुद्ध धातु का हम एनोड बनाते हैं और कापर पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, और जो अपद्रव्य होता है ये नीचे गिर जाता है, और इसे पंक भी कहा जाता है। यदि पंक की परिभाषा पूछा जाए तो आप कहेंगे कि धातु निष्कर्षण से, धातुओं के परिष्करण से, जो धातुएं शुद्ध होती हैं, जो उसके एनोड के नीचे जो क्या निकलता है, जो अपद्रव्य इकट्ठा होता है, उसी को पंक कहते हैं, यानी अपद्रव्य क्या कहलाता है, पंक कहलाता है, अशुद्ध धातु के अंदर जो अपद्रव्य होता है उसी को पंक कहते हैं। तो पंक की परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन के बच्चों के लिए भी। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, खनिज अयस्क। दूसरा क्वेश्चन है, दो धातुओं का नाम बताइए जो प्राकृत में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो अब हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक पढ़ा, अब हम एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, हमको खनिज की परिभाषा देना है और दूसरा परिभाषा देना है अयस्क की। तो पहला क्वेश्चन है खनिज, खनिज किसे कहते हैं, अब हम खनिज की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, खनिज किसे कहते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी की सतह पर या भूपरपाटी पर, पृथ्वी के सतह पर धातुओं के यौगिक उपस्थित होते हैं उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं, यानी खनिज कहते हैं। कहने का मतलब है, जो पृथ्वी की सतह पे कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर की गहराई पर जो उपस्थित होती है धातुओं या अधातुओं के ऑक्साइड, उसके लवण, उसके यौगिक जो उपस्थित होते हैं,
उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, जिससे धातुओं धातुएं अधातुएं प्राप्त की जा सकती हैं उसे क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। दूसरा परिभाषा है अयस्क, अयस्क क्या परिभाषा है, अयस्क दूसरी परिभाषा हमको किसकी बतानी है, अयस्क, अयस्क की क्या परिभाषा है, यानी ऐसे खनिज जिससे धातुएं निकाली जा सकती हैं अयस्क कहलाता है, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज खनिज ऐसे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण, जिससे धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं, धातुएं धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं, की जा सकती हैं, जा की जा सकती हैं, की जा सकती हैं क्या कहलाता है, की जा सकता है क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है, अयस्क अयस्क कहलाता है, कहलाता है, यानी जो अयस्क होता है वो खनिज से प्राप्त होता है जिसमें धातु के पाने की संभावना ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है, हमारा खनिज अयस्क कहलाता है, इसमें धातुएं पाने की संभावना ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दो धातुओं का नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो हमारी दो धातुएं कौन सी हैं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, एक है प्लेटिनम पीटी यानी प्लेटिनम, प्लेटिनम पहली धातु है प्लेटिनम, दूसरा है सोना, सोना दूसरा धातु क्या है, सोना एयू, ये हमारी क्या है, सोना है जो मुक्त अवस्था में प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो हो गया। तीसरा क्वेश्चन का क्या कह रहा है, धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो धातु ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस तरह का कोई ऑक्साइड है तो इससे कैसे प्राप्त किया जाता है, अपचयन के द्वारा। कौन सा रासायनिक प्रक्रम है, अपचयन के द्वारा, अपचयन जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, अपचयन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। और अपचयन किससे कराया जाता है, कार्बन के द्वारा अपचयन कराया जाता है, और जो है कुछ धातुओं के निष्कर्षण के लिए सोडियम यानी सोडियम पोटेशियम, सोडियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अपचायक का भी उपयोग किया जाता है। तो अपचयन के द्वारा कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक कौन सी प्रक्रिया है, अपचयन, अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो अपचयन के द्वारा क्या होता है कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है, अपचयन के द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारा हो गया।